योगी आदित्यनाथ जी को देखने का और सुनने का मौका मिला है। हज़ारों की तादाद में संख्या में कल ठीक शाम में 5 बजे नेहरू स्टेडियम के मैदान में आकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भाषण को सुने। अगर एक सवाल है, यहाँ के GDS के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि लिंगायत कमेटी पूरी उनके साथ है, तो आपके साथ कौन से वर्कर हैं सर, उसके बारे में गलत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी बीदर की जनता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने वाली है और मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है। बस अरविंद सिद्धप्प जलादे चुनाव निर्वहण समितिय उत्तर विधानसभा क्षेत्र संचालक। भारतीय जनता पक्षद प्रचारक्कागि नाळे दिनांक 30/4/23 रविवारदंदु सायंकाल 5 गंटेगे ಬೀದರ್ ನಗರದ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರಣೀಯ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ BJP ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನೇತಾ जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट को ख़त्म कर दिया और उत्तर प्रदेश में एक शांति का वातावरण निर्माण कर दिया और दुनिया जिनको एक श्रेष्ठ नेता के रूप में देख रही है, ऐसे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कल बीदर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार के लिए 5 बजे यानी शाम में 5 बजे इसी मैदान में, नेहरू स्टेडियम के मैदान में विराट जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं बीदर के सभी हमारे मत क्षेत्र के भाइयों से, माताओं से, युवाओं से, बच्चों से विनंती करता हूं कि आप सभी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखने का और सुनने का मौका मिला है। हज़ारों की तादाद में संख्या में कल ठीक शाम में 5 बजे नेहरू स्टेडियम के मैदान में आकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भाषण को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है, यहाँ के GDS के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि लिंगायत कमेटी पूरी उनके साथ है, तो आपके साथ कौन से वर्कर हैं सर, उसके बारे में गलत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी बीदर की जनता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने वाली है और मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है। बस जी।